रात को ले आए थे, थोड़ी खांसी जुकाम सा था। 15-20 मिनट के अंदर क्या बोले कि ये तो पॉजिटिव है, अपने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है और आपने दे देंगे। वेंटिलेटर है तो फिर कहने लगे बंदा नहीं है, चलाने वाला नहीं है, उसकी वजह से बस हम कह के थक गए। हमारे सिविल हॉस्पिटल कैसल में 5 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उसके बाद ईव तक ना तो कोई वेंटिलेटर दिया ना कुछ दिया, अगर वेंटिलेटर मिल जाता ना तो मैं दादी बच जाती। अगर उनको लगता है कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है तो लगाते हैं, उन्होंने कल किसी पेशेंट को लगाए भी हैं। करना चाहता हूँ किसी से भाई, कोई सरकारी हॉस्पिटल में अपने माँ बाप ने ना लिया ये उन्हें मार के भेजेंगे। कैथल के नागरिक अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग महिला की मौत। परिजनों का आरोप वेंटिलेटर न मिलने की वजह से हुई मौत, रात को केयर करने के बजाय डॉक्टर सोए हुए थे। वहीं चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हमारे पास 5 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन किसको लगाना है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, अगर लापरवाही हुई है तो जांच करेंगे। बता दें कि कैथल के नागरिक अस्पताल में वीरवार को एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हुआ तो मौत हुई। परिजन महिला को बुधवार रात को नागरिक अस्पताल में लेकर आए थे, जिसको खांसी व सांस लेने की दिक्कत थी, जिसके बाद कोरोना का टेस्ट करवाया गया और टेस्ट में बुजुर्ग महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें आते ही ऑक्सीजन लगा दी गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जब रात को दिक्कत हुई तो देखा डॉक्टर मौके पर ही नहीं है। जब अन्य स्टाफ से पूछा गया तो डॉक्टर ड्यूटी के समय सोए हुए थे, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि स्थिति खराब होने के बाद बार बार बोला गया, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई भी सही इलाज नहीं दिया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी और उपलब्ध होने के बाद भी वेंटिलेटर नहीं दिया गया, जिसके कारण 11 बजे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आइए परिजनों से भी जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है और चिकित्सक अधिकारी इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, वो रात को ले आए थे, थोड़ी खांसी जुकाम सा था, बस यहाँ ले आने के बाद ये एडमिट करा दी। एडमिट कराने के बाद ये दवाइयाँ दुइयाँ गया, इन तो देते रहो दवाइयाँ दुइयाँ दही होगी वो ज़्यादा होती गई, जैसे दवाई दे कभी देने लग रहे हैं टिक्के लगाए फिर ज़्यादा होगी। फिर सवेरे मन गया भी वेंटिलेटर वगैरह दो, इन तो वो नहीं दिया है, बोला है वेंटिलेटर है, तो फिर कहने लगे बंदा नहीं है, चलाने वाला नहीं है, उसकी वजह से बस हम कह के थक गए। तो कितने घंटे आपने वेट किया वेंटिलेटर मिलने का, कितनी देर इंतजार किया? 2-3 घंटे करे वहाँ ने, तो वेंटिलेटर नहीं मिला? मिला नहीं है बस। उसके बाद जो मतलब करने वाले हैं डॉक्टर हैं वो तो नहीं ना, आगे नर्सों बेचारी क्या करेंगे। परसों की बात है जी, मेरी दादी के खांसी थी और खांसी की दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद शाम को कहने लगी कि मेरे तो गले में दिक्कतों लग रही है, तो उसके बाद हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आ गए 9:30 बजे के आसपास। कब लेके आए थे? कल रात को तो लेके आए। उसके बाद वो बोले कि आपका पहले कोविड टेस्ट होगा, पहले कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो कोविड टेस्ट आने के बाद 15-20 मिनट के अंदर क्या बोले कि ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद बोले भाई इसका ऑक्सीजन भी लगेगी, ये भी लगेगा, तो ऊपर ले गया किसी भाई भेजा हुआ रात ने वहाँ, उसने फ़ोन कराया, उस भाई ने आकर डॉक्टर सोया पड़ा था, पूछा भी कड़ा डॉक्टर ने, डॉक्टर सोया पड़ा, डॉक्टर ठाके लाया डॉक्टर ने वहाँ। उसके बाद उन्होंने टिक्का टुक्का लगाया, टिक्का लगाने के बाद थोड़ा बोले, उन्होंने कहा भाई, मैंने पूछा भाई पे फ़ोन करके मैं किस तरह, उन्होंने कहा भाई तो कुछ नहीं कहती, दर्द ना बोलती, कुछ नहीं कर दिया, किसी पे फ़ोन कर ले और पूछ ले वेंटिलेटर की सुविधा हो, उसका कि नहीं नहीं मैम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वो बोले उन्होंने कहा मैं पूछूँ शंभू साहब से फ़ोन कराया तो पूछा, उन्होंने कहा अपने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है और आपने दे देंगे, लेकिन उसके बाद ईव तक ना तो कोई वेंटिलेटर दिया ना कुछ दिया, अगर वेंटिलेटर मिल जाता ना तो मेरी दादी बच जाती। सवेरे 6 बजे की वेंटिलेटर की बात चल रही थी, ईव टाइम हो गया 12:54, यानी कि 12 बजे तो 12:30-11 बजे तक तो डेथ हो ली थी, ना वेंटिलेटर दिया कुछ नहीं दिया ना। ये अगर नू कहते नहीं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है तो हम किसी उस प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, मेरी दादी ने बचा लेते। परसों की बात है, बिल्कुल ठीक ठाक थी नॉर्मल, सिर्फ खांसी और थोड़ा सा जुकाम था। उसके बाद नॉर्मल गाँव में से ही दवाई ले ली और फिर कल हम यहाँ लेके आए, पहले भी एक बार ठीक ठाक थी, नॉर्मल ले ली दवाई, तो रात को बोले कि थोड़ा गले में मेरे को दर्द है, तो हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ इन्होंने तो ये ऑक्सीजन के लिए बोल रहे थे लगाने की, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। जैसे जैसे इन्होंने उपचार किया, टीके वगैरह लगाए, वैसे वैसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। इसका यही कारण है भाई, इन्होंने ही कुछ मतलब कोशिश नहीं की बोलने की, लापरवाही थी इनकी भाई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। हमारे सिविल हॉस्पिटल कैथल में 5 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और उनको चलाने के लिए हमारे पास अब डॉक्टर्स भी आ गए हैं। देखिए, वहाँ पर राउंड द क्लॉक अब ड्यूटी डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो दिन में भी रात में भी वहाँ पर
बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है तो लगाते हैं। उन्होंने कल किसी पेशेंट को लगाए भी हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा, अगर कोई कमी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसकी जाँच की